गुना से टिकट कटने के बाद लगातार अगर मध्य प्रदेश में सियासत में चर्चा का विषय बने हैं तो वो केपी यादव ही हैं। जी हाँ, सबकी निगाहें इस तरफ के गुना से ज्योतिराज सिंधिया को टिकट दे दिया गया। केपी यादव जिन्होंने सिंधिया को हराया था उनका टिकट कट गया, लेकिन अब संकेत मिल रहा है कि केपी यादव का अगला कदम क्या होगा, केपी यादव किस तरफ बढ़ेंगे, टिकट कटने के बाद केपी यादव की दिशा किस तरफ है और केपी यादव क्या कांग्रेस में जा सकते हैं। इन तमाम अटकलों के बीच में दरअसल केपी यादव ने खुद संकेत दे दिया कि आने वाले वक्त में वो किस दिशा में जाएंगे। जी हाँ, और ये संकेत मिला केपी यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से, एक्स से, जिसमें उन्होंने अपना बायो बदलकर लिखा मोदी का परिवार। दरअसल पार्टी एक अभियान चला रही है मोदी का परिवार, यानी जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब एक परिवार की तरह हैं और इस परिवार वाली धारणा के साथ पार्टी लोकसभा चुनाव में उतर रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ये बायो बदला था, ऐसे ही केपी यादव ने बदल दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें खास बात क्या है। दरअसल ये जो बायो उस स्थिति में बदला गया कि जब टिकट कटा हो केपी यादव का और अटकलें लग रही हो, कांग्रेस केपी यादव से सहानुभूति रख रही है, कांग्रेस के अंदरूनी खबर ये भी है कि कांग्रेस चाहती है कि केपी यादव कांग्रेस में आ जाए तो उनको फिर से सिंधिया के सामने उतारा जाए, लेकिन केपी यादव ने अपनी निष्ठा बीजेपी में एक बार फिर दिखा दी है, ये बता दिया है कि वो बीजेपी नहीं छोड़ने वाले हैं। और यही वजह है कि टिकट ना मिलने के बाद जो अटकलें लग रही थी कि केपी यादव कहाँ जा सकते हैं, तो उन अटकलों के लिए ये जवाब है केपी यादव का, जो उन्होंने बायो बदला है, बीजेपी के प्रति आस्था दिखाई है। क्योंकि पार्टी के टिकट काटने के बाद जिस तरीके की स्थिति थी, केपी यादव के समर्थकों के मन में एक असंतोष था, उन तमाम स्थिति में केपी यादव ने कभी खुलकर बयान नहीं दिया पार्टी विरोधी टिकट कटने के बाद। अब ऐसे में बायो बदलने के बाद केपी यादव ने एक संकेत बड़ा जरूर दे दिया है कि बीजेपी वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी के साथ ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत में बीजेपी की लिस्ट आने के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में है गुना सीट, जहां से केपी यादव का टिकट पार्टी ने काट दिया। अब ऐसी स्थिति में केपी यादव जो है वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ ही राजनीति करेंगे। आप देखते रहें अभी तक।